हेलो एंड वेलकम टू मिशन सक्सेस। मिशन सक्सेस में आप सभी लोगों का वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जिसमें कि डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस ए से। डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा, बिना डिवाइड किया फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप चाहे तो डिवाइड करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके से इनके आंसर्स को फाइंड आउट करके आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पे आ रही थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, इसे कर देते हैं क्लोज। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। पहला तरीका ये है कि अगर हमारे पास एक्स माइनस ए से डिवाइड करने को बोला जा रहा है, तो इसे हम जीरो के इक्वल में रखेंगे और एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए। तो इसे हम क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे जो भी हमारे पास इक्वेशन दी जा रही है उसके अंदर। यहाँ पे दिया जा रहा है एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का ए। अब एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस ए इंटू फिर ए की पावर 2 प्लस फिर यहाँ पे 6x दिया हुआ है, यानी कि 6 इंटू ए और यहाँ पे दिया हुआ है ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस ए की पावर फिर क्यूब फिर प्लस 6a माइनस ए। प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। 6a में से 6a में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5a, यानी कि जो इसका रिमाइंडर आने वाला है वो आने वाला है 5a। इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके दूसरे मेथड्स के बारे में, जिसमें कि हम डिवाइड करके देखेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या हमारा रिमाइंडर सच में 5a आ रहा है क्या। चलिए यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x माइनस ए दिया हुआ है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उससे। x की पावर 3 दिया हुआ है माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगर आपको डिवाइड नहीं आता ना, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीटली, मैं आपको डिवाइड सिखाने वाला हूँ। आप देखिए किस तरीके से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की पावर 3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की पावर 1। अब आपको क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, यानी कि x की पावर 3 में अगर मैं x का डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, यानी कि x स्क्वायर टाइम्स में ये जाने वाला है नंबर। अब x स्क्वायर का है ना, x में मल्टीप्लीकेशन करिए, x स्क्वायर का जब हम x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस कंडीशन में इसका आंसर आने वाला है x की पावर 3। इसी तरीके से जब हम x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस ए में, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी होने वाला है आपके लिए। ये हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस। एक्स की पावर 3 दी हुई थी ना यहाँ पे ए एक्स की। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस का है, ये भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 6x माइनस 6x है, यहाँ पे x है, हमें क्या चाहिए 6x, यानी कि हमें कितने का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 6 का। 6 में x का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो हो जाएगा 6x, 6 में a का मल्टीप्लीकेशन करूंगा माइनस का 6a। यहाँ पे नंबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हमारा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। 6a में से a को माइनस करेंगे क्या आएगा, 5a। आपने देखा सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर हमारे पास दिया होगा क्वेश्चंस में कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये दिया जा रहा है कि इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना, तो आप इसे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ आने वाला है। वो क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है x की पावर 3, 3x क्यूब प्लस 7x को हमें चेक करना है किससे। यहाँ पे दिया हुआ है 7 प्लस 3x। देखिए जब हमारे पास 7 प्लस 3x दिया हुआ है ना, 7 प्लस 3x दिया हुआ है, तो 7 प्लस 3x को हम देखेंगे कि डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, किस तरीके से हम इसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या आ सकता है इसका। देखिए चेक करना है 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 7, यहाँ पे 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 7, फिर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 अपॉन 3, माइनस का 7 अपॉन 3 इसका ये वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करना है जो कि हमारे पास दिया जा रहा है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास 3x की पावर क्यूब प्लस का 7x, 3x की पावर क्यूब प्लस का 7x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो
तो 3x की पावर क्या दिया हुआ है, क्यूब प्लस 7x। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से आपको समझनी होगी, 3 इंटू माइनस 7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। अब देखिए 3 इंटू 7 की पावर 3 क्या होगा, 3 4 3 होता, जो कि माइनस में आएगा 3, सॉरी यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 इंटू माइनस का 3 4 3/3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 27 रहेगा यहाँ पे अपॉन माइनस 7 7 ज़ा 49, तो 49/3 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आने वाला है वो हमें ध्यान से देखना और समझने वाली बात होगी कि इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। जब इसे हम एलसीएम लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, बहुत समझने वाली चीज़ें यहाँ पे कि किस तरीके से हम समझना है। सबसे पहले इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाए, ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स में, यानी कि जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आने वाला है। तो यानी कि ये 343 माइनस 49 दिया हुआ है, तो 49 में 3 का मल्टीप्लाई 147 हो जाएगा, ये 147 हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा माइनस का 490/9, ये इसका रिमाइंडर आने वाला है इस कंप्लीट क्वेश्चंस का। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये जो हमारा रिजल्ट्स है वो हमारा 0 के इक्वल में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा था क्या ये इसका फैक्टर है, फैक्टर कब होता, जब इसका रिजल्ट 0 आता, जब रिमाइंडर 0 आता है तो ही वो उसका फैक्टर होता है, यानी कि इस कंडीशन में ये इसका फैक्टर नहीं है, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। हम क्या बोलेंगे, इसका फैक्टर नहीं है। अगर आप कंप्लीटली बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज आप हमारे सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, आपने समझ लिया है क्वेश्चंस को, आप चाहते हैं कि आपको इसके पीडीएफ मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.tiwariacademy.com। आप हमारी वेबसाइट्स में वेबसाइट्स पर जाकर के आप कंप्लीटली ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।